अभी पूरी दुनिया भर में कई सारी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी लाइफ टाइम नहीं चलती, उसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के केस में लिथियम आयन बैटरी लगभग 3 से 4 साल में खराब हो जाती है, वहीं इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरीज 8 से 9 साल तक भी चल जाती हैं। अब मार्केट में काफी सारी कंपनीज हैं जो कि ईवी बैटरीज बना रही हैं, लेकिन इन खराब हुई बैटरीज का भला क्या किया जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को रिसाइकल प्रोसेस के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। रिसाइकल करो एक इंडियन कंपनी है जो कि लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करती है और ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी से कोबाल्ट, लिथियम, निकिल, मैंगनीज जैसे रॉ मटेरियल को 95% रिसाइकल कर लेती है और इन रॉ मटेरियल्स को नई ईवी बैटरीज बनाने में यूज किया जाता है। हाल ही में इस कंपनी ने बजाज ऑटो व्हीकल्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल से हर साल लगभग 500 मैट्रिक टन बैटरीज को रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल के प्रोसेस से एक तो एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन कम से कम होता है, प्लस नई बैटरीज बनाने के लिए भी हमें रॉ मटेरियल काफी आसानी से और कम कीमत पर मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बैटरी 3 से 4 साल में खराब हो जाती है, तो ऐसे में रिसाइकल का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।